वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो इसमें हम आपका पेपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आपका ओ टी टेक्नीशियन वाले जो कैंडिडेट हैं फर्स्ट ईयर के उनका हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और आपका एग्जामिनेशन सेशन था यह अक्टूबर नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री पेपर ए है ये आपका ठीक है तीन घंटे की आपके पास लगभग टाइमिंग रहती है इसमें ठीक है आ, कोई फाइव क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे आपको सेक्शन ए में से जो कि आपकी सिक्सटी मार्क्स कैरी करती है और आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने होते हैं सेक्शन बी जो आपकी है वो फोर्टी मार्क्स कैरी करती है ठीक है जो कि आपको शॉर्ट नोट लिखने होते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया था नेम द बोन ऑफ अपेंडिकुलर स्कैल्टन एंड डिस्कस ह्यूमरस इन डिटेल विद द लेबल डाइग्राम देन सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एमरेट फोर बेसिक टिश्यू ऑफ बॉडी एंड डिस्क्राइब मस्कुलर टिश्यू देन थर्ड वन इज डिस्क्राइब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू चैम्बर्स ऑफ हार्ट देन फोर्थ वन इज डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पेनक्रियास ठीक है देन फिफ्थ वन इज वट इज स्टेरलाइजेशन हाउ विल यू मैनेज स्टेरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल थिएटर देन क्वेश्चन नंबर सिक्स एमोरेट एंडोग्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी डिस्क्राइब एनोटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ थायरॉयड ग्लैंड ठीक है देन सेवन्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन ठीक है इसी तरह से आपकी जो सेक्शन बी थी उसमें आपके जो है फोर्टी मार्क्स कैरी करते हैं ठीक है और ईच मार्क्स आपके जो है इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं ईच क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करता है जिसमें कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड एक्जोक्राइन ग्लैंड ठीक है देन थर्ड वन इज़ एनाजिलेसिस एंड एंटीबाटिक्स दैन फोर्थ वन इज़ फैट मेटाबोलिज्म फिफ्थ वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट फॉर एबडाम सर्जरी दैन सिक्सथ वन इज़ इंस्ट्रूमेंट यूज इन जनरल सर्जरी दैन सेवंथ वन इज़ पेरेंटल न्यूट्रिशन ठीक है तो ये आपके थे ओ टी असिस्टेंट फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट जो थे उनका पेपर है ठीक है और भी अगर आप ओ के पेपर सेस करना चाहते हैं यूट्यूब पर प्ले लिस्ट बनी है ओ वाली ठीक है उसमें जाके आप पेपर सेस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन कॉल पर सेट कर लेंगे लेटेस्ट अपडेट हम हमको मिलते रहेंगे थैंक यू सो मच